ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में एचआरटीसी वर्कशॉप के पास एक टैक्सी ड्राइवर की सिर कटी लाश बरामद हुई है। युवक की पहचान सुदेव निवासी 29 वर्षीय जसविंदर उर्फ लापू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जसविंदर धर्मशाला में टैक्सी चलाने का कार्य करता था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और टैक्सी ड्राइवर के शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में एचआरटीसी वर्कशॉप के पास एक टैक्सी ड्राइवर की सिरकटी लाश बरामद हुई है। युवक की पहचान सुधेड़ निवासी 29 वर्षीय जसविंदर उर्फ लांबो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जसविंदर धर्मशाला में टैक्सी चलाने का कार्य करता था। रविवार देर शाम लामा और अन्य ड्राइवरों ने चील गाड़ी के जंगल में पार्टी की। उसके बाद सोमवार सुबह जसविंदर का कटा हुआ शव एचआरटीसी वर्कशॉप के पास पड़ा मिला। उसका धड़ और शव दोनों अलग अलग जगह पर पड़े मिले हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और टैक्सी ड्राइवर के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कुछ लोगों का कहना है कि किसी वाहन की चपेट में आने से जसविंदर की मौत हुई है, वहीं कुछ हत्या की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। पुलिस के अनुसार ये मामला हत्या या आईपीसी की धारा 304A का है। इसके लिए फोरेंसिक टीम जांच कर साक्ष्य जुटा रही है। फिलहाल टैक्सी ड्राइवर के एक साथी को पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में लिया है। पवन कुमार, उप प्रधान सुदेव पंचायत। ये तो अब जो है वो घटना दुर्घटना दोनों ही मुद्दे इसमें लग रहे हैं, क्योंकि जो दुर्घटना होती है वो स्पॉट पे ही होती है और जो दुर्घटना है जो उसको सोच समझ के या कुछ ऐसा हुआ हो, अब जो दुर्घटना हुई है वो चील गाड़ी में हुई है, डेड बॉडी यहाँ पे है, तो अब दुर्घटना और जो घटना दोनों ही कहा जा सकता है इसको।